नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग लवली इनू टोकन के बारे में। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और काफ़ी दिन से मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था लवली इनू पे, तो आज मैं सोचा कि आज आप लोगों के लिए जो है लवली इनू पे एक वीडियो लेकर के आऊँ। और मैंने थंबनेल में यूज़ किया कि काफ़ी सब कुछ बदल चुका है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताऊँगा कि लवली इनू में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ अपने बिटमार्ट पे, और बिटमार्ट पे दिखाता हूँ कि इसका रेट वगैरह क्या चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे हम आते हैं बिटमार्ट पे, और बिटमार्ट का लिंक वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग उसको अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं बिटमार्ट को, तो बिटमार्ट को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नए नए टोकन आते रहते हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लवली इनू टोकन पे। लवली इनू टोकन का आप देख सकते हो कि दोस्तों इस समय 3786 के करीब में इसका बना हुआ है, और यहाँ पे जो है 4498 के करीब में इसका ऑल टाइम हाई गया था। और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो लोएस्ट बना है वो 3600 के करीब में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिसंबर तक आप लोगों को किसी भी तरीके से इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, और किसी भी तरीके से इसको बेचना उचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ होल्ड करके रखना है और कुछ नहीं करना है इसको दिसंबर तक के लिए, तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि यहाँ पर इसको हटाना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके वेबसाइट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वेबसाइट में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे LOVELY lovely.finance, ठीक है, इसकी वेबसाइट का लिंक आप लोगों को हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बदलाव यहाँ पे आ चुका है, और इसको मैंने सर्च पे किया हुआ है, और ये देखिए इसकी वेबसाइट काफ़ी लुक इसका चेंज कर दिया गया है, और ये काफ़ी बदलाव आ गया है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ बदल चुका है, और ये अभी ओपन भी नहीं हो पा रहा है इस मोबाइल में। डेस्कटॉप पे हम कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है इस वेबसाइट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट ये ओपन होकर के चली आई है, और यहाँ पे आप लोगों को सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है जो है, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे ये सिंबल है इसका। यहाँ पे इसकी डिज़ाइन पूरा लुक सब कुछ चेंज कर दिया गया है, लिटिल लव बिग ड्रीम। और यहाँ पे जो आप लोगों को मैं एक चीज़ खोज रहा हूँ, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे ये कहते थे हमेशा कि जो है $1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा क्वाइन प्राइस गिव फ्रॉम इतना से लेकर के इतना डॉलर के करीब में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो और इनका जो आप लोगों को बताया गया था कि रिवार्ड ग्रोइंग टोकन प्राइस इतना टू $1 इन 2021, ठीक है, ये भी यहाँ पे आप लोगों को मेंशन हुआ दिखाई दे रहा है, और थोड़ा बहुत इसमें अलग से चेंजेस आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाला गया है। बात करेंगे इसको हाउ टू बाई करने पे, तो यहाँ पे हाउ टू बाई पे जब आप क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप लोगों को किस तरीके से ख़रीदना है, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट BSE स्कैन पे चले जाओगे, क्वाइन मार्केट कैप पे चले जाओगे, क्वाइन गीको पे चले जाओगे, और यहाँ से इसका लाइव चार्ट भी आप देख सकते हो। टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई आपकी 60 ट्रिलियन आ जाती है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई आपके 68.98% के करीब में चल रहा है, डेवलपर को जाएगा 31.019% के करीब में। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और जूम करते हैं, और जूम करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं मीम लवली इनू, सिंबल लवली इनू और डेसिमल 8। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालोगे, तो वहाँ पे जो टोकन पे आता है वो जो नेम होता है वो लवली इनू होगा, सिंबल लवली होगा, और डेसिमल आपको 8 डालना है। ठीक है, क्वाइन मार्केट मार्केट कैप जो है 23 मिलियन प्लस के करीब में है यहाँ पे। और एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, तो एक्सचेंजेस जो है आप लोगों का वही सब कुछ है, यहाँ पे आप लोगों को इनको जो है रनिंग में होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये सारा सब कुछ आप लोगों को एक्सचेंजेस का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पूरा एरिया एक्सचेंजेस का दिखाई दे रहा है। ठीक, तो सब कुछ वही है। अब विजन की बात कर लेते हैं, तो विजन आप लोगों का यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ये राइट टिक लग गया है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर आप लोगों को देख सकते हो कि हॉटबिट BKX ला टोकन P2B लिस्टिंग ऑन पैनकेक्स, इस तरीके से कर करके इनका फेज वन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखना है फेज टू, फेज टू पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये सारा सब कुछ अपडेट हो चुका है और सारी हो चुका है। फेज थ्री में चलते हैं, यहाँ भी सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया है। फेज फोर की बात करते हैं, तो फेज फोर में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से काम होना बाकी है। ठीक है, फेज फोर का लार्ज मार्केटिंग प्रेस रिलीज गिव अवे इवेंट स्टार्ट लवली ऑडिट
ऑडिट और उसके बाद से जो है डोनेशंस इंक्रीज मार्केटिंग, इस तरीके की यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बना हुआ है। फेज फाइव में आते हैं तो फेज फाइव में भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है, मार्केट है और उसके बाद 80,000 होल्डर्स और उसके बाद से ट्विटर फॉलोअर्स, टेलीग्राम फॉलोअर्स, लवली रैप्ड कार गिव अवे, अच्छा ये कार भी देने वाले हैं भैया गिव अवे में, और उसके बाद से लवली का वॉलेट लॉन्च होगा और लवली इनो कैसीनो होगा। 5 to 6 एक्सचेंज पे मार्केट जो है लिस्ट होगा, बिनांस पे लिस्ट होगा और उसके बाद से आप लोगों का लवली एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी इतने काम बचे हुए हैं और अभी आप लोगों के पास 52 से 53 दिन यहाँ पे हैं जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पे लवली इनो के होल्डर्स का जो है आप लोगों को फोटो वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद से आते हैं लवली में तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कंपनी, कंपनी में आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे टेलीग्राम का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है सपोर्ट वगैरह के लिए, और वाइट पेपर वगैरह का भी ऑप्शन इसमें आ जाता है। सपोर्ट, सपोर्ट में आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सपोर्ट सेक्शन है जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अप्लाई आई एल ओ, अप्लाई लिस्ट, अप्लाई फॉर ऑडिट, कॉन्टैक्ट अस और ऑफिशियल वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है इसको अलग से कर दिया गया है यहाँ पे मेंशन, और उसके बाद से कंपनी का वाइट पेपर, ऑडिट रिपोर्ट, पार्टनर और न्यूज़, ये सब देखने के लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था वेबसाइट का कुछ, अब हम चलते हैं इसके बीएससी स्कैन पे। बीएससी स्कैन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ही ऊपर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको डेस्कटॉप साइट से मोबाइल वर्जन में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो सबसे ऊपर ही आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाता है। हम यहाँ पे लवली डॉट लवली इनो फाइनेंस पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल आप लोगों को जो है यहाँ पे टोटल सप्लाई अब इस समय 60 ट्रिलियन के करीब है, और ये देखिए आप होल्डर्स देखिए किस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, 40,976 के करीब में आपके होल्डर्स हो गए हैं, और फिर वापस से आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब तो कुछ आप लोग जानते ही हो, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक नई न्यूज़ ये निकल के आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक नया कॉइन आया हुआ है मार्केट में पपी इनो करके, और मैं उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा वीडियो में। तो यहाँ का ये इसका भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग पपी इनो को भी अगर चाहो तो आप लोग बाई कर सकते हो, काफ़ी ठीक ठाक टोकन लग रहा है, मैंने इसका दिन में रिव्यू किया है। मैं इसको आई बटन में दे दूंगा कि किस तरीके से इसको बाई करना है। सिंपली इसको बाई करने का तरीका वही है, ट्रस्ट वॉलेट में जाना है, ट्रस्ट वॉलेट में इस वेबसाइट को ओपन करना है और उसके बाद से आप लोगों को बीएनबी वॉलेट बीएनबी में इसको कन्वर्ट कर लेना है अपने वॉलेट को बीएनबी से, ठीक है, और उसके बाद से इसको बाई कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को और दिखा ही देता हूँ इस समय, तो मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको आपको जाना है ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है, दो सॉरी यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, ये है आपका ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट में आप जाते हो, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद आपको डीएफएस में जाना है, डीएफएस में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद सिंपली सा इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों का ये इथेरियम का सिंबल है, इस इथेरियम का सिंबल को हटा करके स्मार्ट चेन कर देना है और इस वेबसाइट को पूरे तरीके से ओपन हो जाने देना है, ठीक है। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को प्री सेल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोगों को सिंपली सा इस प्री सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये यहाँ पे लेकर के आएगा, यहाँ पे लाने के बाद आप लोगों को सिंपली सा यहाँ पे 0.01 का मान लीजिए आप लोगों को ख़रीदना है तो यहाँ पे आप डाल देंगे 0.01, ठीक। अगर दोस्तों अगर ये ऐसा आप लोगों का नहीं होगा तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा पहले अपने वॉलेट को, ठीक। तो 0.01 का मान लीजिए आप लोगों को ख़रीदना है तो उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे देखिए बाई का ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है आप लोगों को इस वाले सिंबल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग अप्रूव करोगे, अपना पासवर्ड डालोगे और उसके बाद से ये आप लोगों का यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजेक्शन सबमिटेड का एक मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुल देख सकते हो कि हमारे पास जो अभी तक का टोकन है वो सारा इतना टोकन है, और उसके बाद से आप लोगों को सिंपली सा क्या कहना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को इतना टोकन हमें और मिल जाएगा, तो आप लोग अगर चाहो तो इसमें हिस्सा ले सकते हो, काफ़ी अच्छा टोकन है और आगे चल के अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। ये किसी की कॉपी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये कि ये अपना एक अलग प्रोजेक्ट लेकर के आया, जैसे आया था आप लोगों का जो है बहुत सिबा वाइफ सिबा और इस तरीके का, आप लोगों को पता है वाइफ सिबा पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, मुझे वो स्टार्टिंग से ही फेक लग रहा था, ठीक है। और जो भाई लोग ये कह रहे थे कि डैडी लवली इनो और क्या नाम है लूसीफायर ये भाग गया है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोनों ही प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग होल्ड नहीं कर सकते हो तो आप लोग हमेशा से लॉस में रहोगे, ठीक। यही बात लवली इनो में भी अप्लाई होती है, आप लोगों को होल्ड करना चाहिए। अच्छा, डैडी लवली इनो के साथ एक समस्या आ गई थी कि उसकी वेबसाइट को हैकर्स ने हैक कर लिया था,
और उसकी क्वाइन जो है पैनकेक स्वैप पे लिस्ट हो चुकी है। वेबसाइट आप लोगों को दोबारा आ जाएगी, तो वेबसाइट आप लोगों के पास जब दोबारा आ जाएगी तो आप लोग वहाँ से जा करके उसको देख सकते हो, ठीक है। उसकी सूचना मैं आप लोगों को दे दूंगा। लूसीफायर आप लोगों का ला टोकन पे लिस्टेड होने वाला है, तो आप लोग लूसीफायर को भी होल्ड करके रख सकते हो और वो भी जल्द से जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ला टोकन पे, ठीक। अब वापस से हम आते हैं अपने लवली इनू की तरफ। ये तो था आप लोगों का पपी इनू क्वाइन के बारे में जानकारी देनी थी, तो वो मैंने बता दिया। अब आते हैं हम अपने लवली इनू पे वापस, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक नई चेंजिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो लवली इनू का जो लोगो आप लोगों को समस्या थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोगो भी उसका आ चुका है, ठीक। तो अब आप लोगों के सामने सारी समस्या सॉल्व हो गई है। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और आगे चल करके ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। कल की वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से $1 जाएगा। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूंगा कि किस तरीके से $1 जाएगा और क्या क्या सब हो सकता है अगले 52 दिन में, ठीक है दोस्तों। 52 से 51 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप लोगों को बता देंगे कि क्या कुछ तरीके से होता है, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसमें आप लोगों को बताना था कि वेबसाइट जो है पूरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।